प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रैली हुई। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, फिर आप मामा और उसके चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। केजरीवाल ने मंच से मोदी पर भी तंज कसा। केजरीवाल की तरफ से कई अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा गया। जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस अकाली दल को उखाड़ के फेंका, एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने सात सात फ्री की रेवड़ी रख दी, सात फ्री की रेवड़ी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में। पहली रेवड़ी हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने, 24 घंटे बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, पहली फ्री की रेवड़ी। दूसरी फ्री की रेवड़ी, पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे अच्छे स्कूल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, अब एक ही डेस्क पे जज का बेटा, आईएएस अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर। सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त, शानदार स्कूल बना दिए पूरी दिल्ली में। ये दूसरी रेवड़ी। तीसरी रेवड़ी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका, बच्चा बूढ़ा जवान औरत आदमी ब्राह्मण बनिया, इस जात का उस जात का, इस धर्म का उस धर्म का, अमीर गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये तीसरी रेवड़ी। चौथी रेवड़ी, सबका पानी मुफ्त कर दिया, साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल जीरो आता है। पांचवी रेवड़ी, बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया, किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चढ़ जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में चलती है महिलाएं। छठी रेवड़ी, हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं, अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं, पूरे देश में जहां आप कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। और सातवीं रेवड़ी, अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं, 12 लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान ने 30,000 सरकारी नौकरियां दे दी और अभी 3 लाख बच्चों के लिए सर नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं, 3 लाख। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है मोदी जी मेरे से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये 7 रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए?